हमारा बॉनफायर स्टार्ट हो गया है, पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, रात को सब मजे ले रहा है। दोस्तों अभी ये दिरंग विलेज हम लोग एंटर करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी लोकेलिटी और टाउनशिप है पूरा, और ये जगह काफ़ी फेमस भी है। यहाँ पे हर एक घर में जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज का पेड़, और पेड़ पूरा भरा हुआ है ऑरेंज से। तो अभी हम लोग दिरंग विलेज में है, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ट्रैफिक है, गाड़ी सब फंसा हुआ है, जो वेरी कॉमन होता है जो टाउन होता है, वहाँ पे ऐसे सीनरी बहुत कॉमन रहता है पहाड़ों में। तो अभी हम लोग दिरंग विलेज से राइट साइड में टूवर्ड शांति वैली की तरफ चल रहे हैं, और वहाँ पे हमारा टारगेट है, वहाँ पे एक कैंप साइट है, शांति रिवर कैंप साइट। तो उनसे बात नहीं हुआ है, बट डायरेक्ट जाके बात करना है स्टेइंग के लिए। और वो जो रिसोर्ट मतलब जो कैंप साइट है वो पूरा रिवर के साइड में ही है। तो अभी जिस रिवर के साइड से हम लोग जा रहे हैं उसी रिवर के साइड में है। तो लेट्स सी अभी वहाँ पे जाके खाली मिलता है कि नहीं, बाद में आप लोगों से शेयर करेंगे। राइट लेना ना यहाँ से, पूरा चढ़ाई है, पूरा स्टेप चढ़ाई है। मिया सो जा, सो जा, आगे तक देखे देखो। वेलकम टू संगति, आ गए हम लोग। वेलकम टू संगति। दोस्तों आज हमारा तीसरा दिन है कोलकाता से तवांग जाने का, और थर्ड डे का डेस्टिनेशन और नाइट स्टे का प्लानिंग है ये जो अभी बोर्ड पे दिख रहा है आपको। ये नंबर नोट कर लीजिए, कभी आना होगा तो आप ये वाला प्रॉपर्टी पे स्टे कर सकते हो। ये इनका डेक टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पे आप लोग कैंपिंग मतलब अगर बैठ के टाइम पास करना हो तो कर सकते हो। और ये जो जगह है ये शांति वैली है, दिरंग जो लोकेशन है दिरंग टाउन से 7-8 किलोमीटर के दूरी पे। और आप देख सकते हो कि पूरा रिवर अभी यहाँ से रिवर के एकदम साइड में है हम लोग, और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और ये हमारा गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी हम लोग, और ये हमारा कॉटेज जो है यहाँ पे लगा हुआ है। और प्रॉब्लम एक ही है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी फ़ोन का मतलब कोई भी नेटवर्क नहीं है, ओनली BSNL का है, तो कोई भी नेटवर्क यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि घर में भी फ़ोन करने के लिए हमारा ओनर का जो यहाँ का जो प्रॉपर्टी का ओनर है उनका फ़ोन यूज़ करना पड़ रहा है। और ये बिल्कुल नया प्रॉपर्टी है, हम तो सडनली यहाँ पे पहुँच गए, तो ये वाला प्रॉपर्टी हमें अच्छा लगा तो यहीं पर एंट्री कर लिए थे। और ये प्रॉपर्टी में अभी सिर्फ हम ही लोग हैं, दो रूम हम लोग दो कॉटेज लिए हैं, और हम ही लोग हैं और कोई है नहीं। तो खाने पीने के लिए थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ा, क्योंकि ओनर को हमारा खाने के चॉइस के हिसाब से उनको मार्केट जाके फिर शॉपिंग करके लाना पड़ा। तो अभी जो प्लानिंग है हमारा कि यहाँ पे बॉनफायर करेंगे। अभी देख सकते हो कि बॉनफायर का यहाँ पे पूरा तैयारी चल रहा है, और पूरा रिवर के साइड में बैठ के हम लोग बॉनफायर करेंगे, और यहाँ पे कुछ रोस्ट करेंगे खाने के लिए।
और फिर बाद में डिनर वगैरह होगा। और दिक्कत ये और एक दिक्कत यहीं पे है कि इलेक्ट्रिक हमेशा रहता नहीं है। अभी जैसे जनरेटर पावर पे पूरा पावर डब है और ये भी रहेगा 9:30 बजे तक, उसके बाद अंधेरा और हमें खुद से अरेंज करना पड़ेगा। तो पहाड़ी एरिया में नॉर्मली इतना रात तक जगता नहीं है कोई, सब लोग सो जाता है। और इनका जो रूम है, रूम के बारे में अगर बोलना चाहूँ कि बिल्कुल नया प्रॉपर्टी है, रूम बहुत ही ज़बरदस्त मिला हमें। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना शानदार रूम मिलेगा। रूम काफ़ी बड़ा है, बाथरूम भी बिल्कुल नया है, तो कोई भी आएगा तो सबको पसंद आएगा। और नंबर मैंने बोट का जो शेयरिंग किया था, आपको बोट पे देख के आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। ये कोई पर्सनल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बट हम लोग को जो अच्छा लगा, विदाउट प्लानिंग ही आए थे हम लोग, विदाउट नोटिस, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ। ओनर को भी थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ा क्योंकि ओनर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था शुरू में, तो उनको फ़ोन करके बुलाया गया जैसे हम लोग एंट्री किए थे। तो एक दिक्कत था यहाँ पे क्योंकि हमारा प्लानिंग ही ऐसा है कि हम लोग ऐसा फिक्स प्लानिंग पे नहीं चल रहे कि कहाँ पे स्टे करना है, प्री बुकिंग भी नहीं था। सो लेट्स सी, अभी जैसे जैसे कैंप बॉनफायर स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों से वो वीडियो वगैरह शेयर कर देंगे। अभी आग लग चुका है, धीरे धीरे प्रिपरेशन चल रहा है, सो बाकी भी शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ। हमारा बॉनफायर स्टार्ट हो गया है, पूरा प्रिपरेशन हो चुका है। आशीष अभी बिजी है फोटो खींचने में। झुंडुदा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा है, मस्त लग रहा है ना गोविंदा? खुशी हो रहा है, खुशी। और ये रिवर के साइड में बैठ के अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। गौतम दा, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लोकेशन थोड़ा सा अलग ही है ना, जिंदगी में पहली बार, मतलब ऐसे शांति रिवर के बगल में बैठ के क्या बॉनफायर चल रहा है, शांति मिल रहा है, पूरा शांति ही मिल रहा है, शांति वैली जैसा पूरा शांति ही मिल रहा है। आशीष आग लग रहा है, और बताओ पूरा बढ़िया ना एकदम मस्त? बोलो सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। गाइस अभी देखो, अभी सब लोग ग्रिल चिकन खाने के बाद अभी आके पूरा रिवर साइड में आके रात को सब मजे ले रहा है, सबको बहुत मजा आ रहा है। और ये डिसीजन से सब लोग बहुत खुश है कि ऐसे लोकेशन में हम लोग को स्टे करने के लिए जगह मिला है।